भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की उपस्थिति में आज 1984 सिख दंगा पीड़ित राहत कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने सिख नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानपुर SIT में अग्रसर भूमिका निभाई, सरदार कुलदीप सिंह भोगल सहित सैकड़ों सिखों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आदेश गुप्ता ने सरदार कुलदीप सिंह भोगल को पटका पहनाकर भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सिख समाज ने भाजपा पर जो भरोसा जताया है, आज उसी का नतीजा है कि इतने वरिष्ठ नेता सहित सैकड़ों सिख समाज के गणमान्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निसंदेह इतने अनुभवी नेता के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 1984 में हुए सिख दंगों के पीड़ित को न्याय दिलाने में जो संघर्ष सरदार कुलदीप सिंह भोगल ने किया, उसे पूरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोदी सरकार में सिख दंगे के दोषियों को सजा दिलवाने का काम बहुत तेजी से हुआ है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को समाज विरोधी बताते हुए कहा कि सिख भाइयों की दुकान जलाने, लूटने और उनकी हत्या करने का जो षड्यंत्र रचा गया था, उसका पर्दाफाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी सरकार ने सिख समाज को लगातार सम्मान देने का काम किया है, उनकी धार्मिक भावनाओं को एक अलग पहचान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज भोगल के भाजपा में शामिल होना उन सभी लोगों के मुंह पर यह एक जोरदार तमाचा है जो यह कहते थे कि मोदी सरकार सिख विरोधी है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार RP सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, प्रदेश मंत्री सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख ममता काले और प्रदेश सिख सेल के प्रभारी सरदार कुलदीप सिंह मौजूद थे। बहुत खुशी का दिन है जब आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे बीच में सिख राजनीति के धुरंधर और जो शिरोमणि अकाली दल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और जंगपुरा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए उसकी ऑल इंडिया राइट विक्टिम रिलीफ कमेटी 1984 के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ऐसे शख्सियत सरदार कुलदीप सिंह भोगल जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अपने बहुत सारे साथियों के साथ, भाइयों के साथ। मैं उनका पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपके आने से पार्टी मजबूत होगी और हम अच्छा काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार RP सिंह जी, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान राजन तिवारी जी, नवीन जो लोग BJP में आए, एक नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को उन्होंने कायम रखा हुआ है। आज आप देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब किसानों का मसला था, मोदी साहब ने जो एक बात की कि आज मैं माफ़ी मांगता हूँ, आज उस गुरु नानक का जन्मदिन है, जब ये बात कही, लोगों के मन में एक ऐसी लगी, यार नरेंद्र मोदी जो हैं आज गुरु नानक के प्रकाश पुर पे आज किसानों को, जहां वो कहते हैं कि हमारे कई लोग मर गए हैं और आज ये किसानों का जो काले कानून वो वापस ले रही हैं, एकदम नया मोड़ आ गया। मुझे भी लोगों ने कहा, भोगल साहब ये तो मोदी साहब ने बड़ी बात की। मैं क्या, इससे भी बड़ी बात होगी आने वाले दिनों में, इतनी अच्छी बात होगी जैसे कांग्रेस में सिख था ना। दिल्ली से BCN न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।